इनका जो कलेक्शन होता है थोड़ा सा रेडिश होता है कंपेयर टू येलो गोल्ड ज्वेलरी। ओवरऑल ये कलेक्शन काफी यूनिक एंड वैरायटी का होता है। सो हमारे वीडियो में ये कलेक्शन स्टार्ट हो रहा है ओनली 25-26 ग्राम के आसपास। वैसे तो इतने लाइट वेट में अच्छे डिजाइन में लॉन्ग हर में लॉन्ग नेकलेसेस नहीं मिलते हैं, बट मैं हमेशा यूनिक कुछ आपके लिए लाती रहती हूँ। एंड आपको भी पता है कि जो डिवाइन कलेक्शन है मालाबार का मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन है, बिकॉज इसको हेरिटेज ज्वेलरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड यहाँ पे जितने भी पीसेस होते हैं ना, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ना। ऐसा लगता है कि एंशियंट टाइम से इंस्पिरेशन लेके इनको बनाया है। इनके कलर्स भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सो काफ़ी सारे लॉन्ग हरम्स आज के वीडियो में लाए हैं, तो कुछ भी स्किप मत करना, मिस मत करना, एंड तक देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेल, मुझे ना याद है आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी स्पेशली डिवाइन कलेक्शन के लिए फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। जैसे कि हम लोगों को पता है ये कलेक्शन काफी ज्यादा रिचनेस एंड रॉयल्टी देता है आपके ज्वेलरी में, एज वेल एज इनका जो कलेक्शन होता है थोड़ा सा रेडिश होता है कंपेयर टू येलो गोल्ड ज्वेलरी। ओवरऑल ये कलेक्शन काफी यूनिक एंड वैरायटी का होता है। तो इस वक्त मैं हूँ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में, एंड आज स्पेसिफिकली हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग हरम। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पे एक पहना है, एंड ओ माय गॉड, ये कलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ओनली 26 ग्राम से। तो आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी का ह्यूज कलेक्शन आज देखने को मिल जाएगा। अभी मैरिज सीजन भी चल रहा है तो ये सारा कलेक्शन आप उनमें भी पहन सकते हो, काफ़ी अलग आप दिखोगे। तो गाइज, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज नया कलेक्शन आया है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू सी दिस कलेक्शन। सो ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियोस मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब आयशा द ब्लॉग्स। वेल, जब मैंने यहाँ पे विजिट किया था मुझे पहले भी पता चला था कि डिवाइन कलेक्शन में अभी काफ़ी पीसेस आए हैं, तो मैंने क्या किया ना कि आज के वीडियो में सारे पीसेस ऐड कर दिए। सो सॉरी फॉर दैट, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट आपको पता है मेरे जो वीडियोस या कंटेंट्स रहते हैं मैं ट्राई करती हूँ क्वालिटी पे और क्वांटिटी। तो मैंने सोचा यार मैं जब तक नेक्स्ट विजिट करूँ तब तक तो ये आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे, सो सारे ही आज के वीडियो में ऐड किए हैं। तो डोंट इवन स्किप अ सिंगल क्लिप और सिंगल नेकलेस, ये सारे ही काफ़ी गॉर्जियस है। वेल, हमारे जो सबसे पहले लॉन्ग हरम की स्टार्टिंग ही हो रही है 63.17 ग्राम। आगे आपको थोड़े बहुत लाइट वेट एंड हीवी वेट भी मिल जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, यहाँ पे जितने भी पीसेस है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड काफ़ी गॉर्जियस है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली प्राइस पड़ेगा 4,52,400 के आसपास। बट आप इसका एक बार क्राफ्टमैनशिप देखिए, इसके जो डिज़ाइन है वो देखिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के एंड ट्रायऑन्स देखिए, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। पेंडेंट वगैरह के ऊपर थोड़ा माता लक्ष्मी का भी डिज़ाइन बनाया है। ये वाला नेकलेस ना मुझे ऐसे याद दिलाता है कि राजा महाराजाओं के टाइम पे जो डिज़ाइन हुआ करते थे ना, कुछ इसी तरह के ये डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब देखो इसका जो पेंडेंट है ना इतना ज़्यादा सुंदर है, बीच में इन्होंने इसको पिकॉक ऐसा डिज़ाइन बनाया है। इट इज़ वेरी रॉयल आई मस्ट से। 101.85 ग्राम का है, मतलब 100 ग्राम के ऊपर है। 7,39,700 बस हमें इसका प्राइस आ जाएगा। अगर इनमें कोई स्टोन यूज़ किए भी जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस एंड अच्छे क्वालिटी के होते हैं, बाकी पूरा प्योर 22 कैरेट गोल्ड होता है। एंड जो ये डिवाइन कलेक्शन या ये जो टेंपल ज्वेलरी है इसके लिए एक अलग ही फैन बेस है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रॉयल लगते हैं। अब खुद ही देखो मैं कुर्ती के ऊपर पहन के इतने सुंदर लग रहे हैं ना। जब आप रेडी होके जाओगे कहीं पर दे विल डेफिनेटली मेक यू सो गॉर्जियस एंड सो यूनिक। वेल, हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग हरम है जो कासू मालाज होते हैं उस तरह का इसको पैटर्न ने बनाया है, लेकिन आप एक बार पेंडेंट देखिए कितना सारा क्राफ्टमैनशिप है, कितनी सुंदर डिज़ाइन है इसके ऊपर। 93.78 ग्राम का ये आ जाएगा। 6,68,700 के आसपास हमें इसका प्राइस आएगा। तो आप इसका पेंडेंट वगैरह भी देख सकते हो, थोड़ा सा हेवी है, काफ़ी सुंदर ऐसे इसको बनाया है। वेल, मैं तो आपको ग्रॉस वेट बता रही हूँ, मेकिंग चार्जेस वगैरह सारे करके ही प्राइजेस बता रही हूँ, बट इनकेस अगर आपको और डाउट है तो आप क्लियरली टैग के ऊपर भी देख सकते हो इनकेस अगर इसमें डायमंड्स है तो कितने हैं, स्टोन्स है तो कितने हैं, बिकॉज हमारा वीडियो फिर ईच एंड एवरी अगर मैं बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर ये पीस लग रहा था। तो आप एक शॉर्ट नेकलेस भी पहन सकते हो, शॉर्ट मंगलसूत्र भी पहन सकते हो। वेल, जो ईयरिंग मैंने पहने हैं झुमका ईयरिंग्स, वो मालाबार के ही है फ्रॉम डिवाइन कलेक्शन। मेरे प्रीवियस वीडियो में मुझे ऑलरेडी आप लोगों के रिक्वेस्ट बहुत आए हैं डिवाइन कलेक्शन के ईयरिंग्स आपको देखने हैं, एंड डेफिनेटली मेरे नेक्स्ट विजिट में मैं उनको ट्राई ज़रूर करूँगी। वेल, ये वाला भी आप देख सकते हो,
है तो लास्ट वाले नेकलेस जैसा ही, बट इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा मैट फिनिशिंग का काम, जो कि काफ़ी यूनिक है। 95.73 ग्राम का हमारा ये लॉन्ग हरम या लॉन्ग नेकलेस है। 6,79,000 के आसपास हमें इसका प्राइस आएगा। एंड टू ऑल माई लेडीज़ who are dreaming for these necklaces, अगर आपका बजट अब है तो आप अभी इनको परचेस कर सकते हो, या अगर आपको बाद में लेना है तो प्लीज़ इन डिज़ाइंस को आपके गैलरी में सेव ज़रूर करके रखना। मैं इतने टाइम से डिवाइन कलेक्शन का वेट कर रही थी, बिकॉज जब भी ऐसे कोई गॉर्जियस पीसेस या फिर ज्वेलरी शोरूम में आ जाती है वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो प्लीज़ आपके पास इसको ज़रूर रखना, जो भी आपको पसंद है। एंड इनके कलर भी काफ़ी रेडिश होते हैं, तो ये हमारे आई को ना बहुत प्लेजेंट लगते हैं सारे डिज़ाइंस। इनको टेंपल ज्वेलरी के नाम से भी जाना जाता है, तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी पीस में आपको कल्चरल सिंबोलिज्म्स देखने को मिल जाते हैं। एंड भगवान के भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस इसके ऊपर देखने को मिल जाते, चाहे माता लक्ष्मी हो या और कोई इनके डिज़ाइंस हो। वेल, ये है 76.46 ग्राम का, मेकिंग चार्जेस है 16.90%, 5,45,700 के आसपास हमें प्राइस आएगा। मेकिंग चार्जेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आपको आ जाएगा। एंड आप ट्राई ऑन में देख सकते हो, ईच एंड एवरी ट्राई ऑन मैंने आप लोगों के लिए किया है, ताकि घर बैठे बैठे आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सा आपको लेना है। विल, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम स्ट्रेट ऐसा बेल्ट दिया है इन्होंने गोल्ड का, एंड डिज़ाइन भी पत्तों जैसी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमें इसका जो वेट है वो आ जाएगा 75.51 ग्राम। एंड ये रहा आपके लिए टैग, इन केस अगर आपको वेबसाइट पे चेक करना है, 19.90% के आसपास मेकिंग चार्जेस है। प्राइस आ जाएगा 5,48,300 के आसपास। सो आप बोलोगे दी ये काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट वाले हैं, काफ़ी कॉस्टली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, तो आपको भी पता है मैं आप लोगों के साथ 10 ग्राम के भी नेकलेस शेयर करती हूँ, उसके अंडर भी शेयर कर चुकी हूँ, बट ये बहुत ही अलग कलेक्शन है। ये जब आप हेवी वेट में लोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज इनमें गोल्ड ज़्यादा यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली इनके प्राइजेस भी ज़्यादा है। तो अभी मैं एक दो आपके साथ शेयर करूँगी लाइट वेट वाले, तब आपको और अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा सच में ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल, ये है डिवाइन कलेक्शन का ही, बट आप देखो इसके ऊपर एकदम ब्लैकिश जैसा कलर हमको नज़र आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ ब्लैकिश कलर, ये एंटिक है, थोड़ा सा एंटिक लुक इन्होंने दिया है। बाकी पूरी बीच में एंड आजू बाजू में ऐसे रेडिश डिज़ाइन है। ये आपको आ जाएगा 40+ ग्राम में, 2,99,700 के आसपास प्राइस आएगा। बट इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाई है ना, आप देख सकते हो जैसे मटर माला होते हैं उस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है। बाकी जो गोल्ड का पेंडेंट है वो बिग ही है, पहनने के बाद जो लुक है ना कुछ इस तरह से आ रहा था। सो आप देखो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो हमने प्रीवियस देखे वो या ए वाला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉन्ग हरम है, दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर लॉन्ग हरम जिसमें कोई पेंडेंट वगैरह नहीं दिया है। बीच का पूरा सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा डिवाइन साइड जैसा है, लाइक रेडिश कलर में आता है, बट यहाँ पे जो पत्ते इन्होंने लगाए हैं दे ऑल आर लाइक अ एंटिक, तो इस तरह से इसको कॉम्बिनेशन में बनाया है ताकि ये थोड़ा सा यूनिक लगे डिज़ाइन। वेल, इसका वेट हमें यहाँ पे आ जाएगा 60+ ग्राम के आसपास, एंड प्राइस पड़ेगा 4,28,000 के आसपास। मेकिंग चार्जेस भी आप देख सकते हो 16.90% के आसपास है, बट इतनी इंटीग्रेट क्राफ्टमैनशिप इसके ऊपर की है ना, आप देखो कितने ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं। जैसे मैंने बोला है शायद आप लोगों को, ये सारे कलेक्शंस ना राजा महाराजाओं के टाइम कैसी ज्वेलरी हुआ करती थी, वो रानियाँ क्या क्या पहनती थी, वो पास्ट में हमें लेके जाती है जब हम इनको देखते हैं, इसीलिए ये कलेक्शंस बहुत पॉपुलर है। वेल, डिवाइन कलेक्शन में अगर आपको लाइट वेट में जाना है तो थोड़े बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो मैंने नहीं देखा है, कुछ इस तरह से आपको दो तीन मिल जाएंगे। ये है 31.18 ग्राम में, आप देख सकते हो माता लक्ष्मी का यहाँ पे कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है, ऊपर पूरा चैन टाइप पार्ट आपको आ जाएगा। 2,27,700 के आसपास प्राइस आएगा। अगर इसमें स्टोन है तो स्टोन की वैल्यू भी मेंशन है, एंड ये है टैग और कोड, अगर आपको वेबसाइट पे परचेस करना है तो आप एक बार इसको पॉज भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड थोड़ा थोड़ा ना इसके ऊपर एंटिक लुक आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो लेंथ है एकदम लॉन्ग तो नहीं है,
बट आई गेस हमने इसको कवर नहीं किया था हमारे शॉर्ट नेकलेस के वीडियो में, तो मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया है। अगेन वी हैव लॉन्ग हरम विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम डिवाइन कलेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी नेकलेसेस हम लोगों ने देखे उसके कंपेयर में इसका पैटर्न बहुत अमेजिंग है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा पोल का भी इन्होंने यूज़ किया है एंड कॉम्बिनेशन में इसको बनाया है, थोड़ा सा स्टोन वर्क है। एंड यहाँ पे भी आप माता लक्ष्मी का डिज़ाइन देख सकते हो। 47+ ग्राम का हमें ये नेकलेस आएगा, 3,23,500 के आसपास प्राइस आएगा। तो आज ना ऐसे आई नो कि मैं थोड़ी बोल रही हूँ एकदम अच्छे से आपको बता रही हूँ, बिकॉज इसमें ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसमें से हम कुछ ही देख रहे हैं। सो मैंने सोचा कि ये जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आई शुड शेयर विथ यू ऑल इन दिस क्लिप्स। बाकी अगर कोई नॉर्मल ज्वेलरी है तो ज़्यादा बताने का कुछ होता नहीं है, बट ये एक इकलौता ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, उसके पीछे काफ़ी स्टोरीज भी रहती है। वेल ये वाला मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन दिखा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना जो बिल है इसका वो सिस्टम पे निकालना था एंड कुछ एरर आ रहा था तो मैं उसका डिटेल्स नहीं निकाल पाई। बट ये भी एक डिज़ाइन है डिवाइन कलेक्शन के अंडर, तो आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हो। कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा, ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है बट मिड लेंथ वाला है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिवाइन कलेक्शन का एकदम ही प्यारा सा नेकलेस है, इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेंडेंट देख सकते हो, बहुत सुंदर है एंड बाकी जैसे पूरे गोल्ड के बॉल्स लगाए हैं उन बॉल के ऊपर भी पूरा रेडिश डिज़ाइन इन्होंने बनाया है। दे आर नॉट इवन प्लेन, उनके ऊपर भी काफ़ी डिफरेंट ऐसी क्राफ्टमैनशिप की हुई है। 49+ ग्राम में हमें ये आ जाएगा, 3,54,000 के आसपास इसका प्राइस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ईच एंड एवरी छोटा छोटा गोल्ड का जो इसके ऊपर क्राफ्टमैनशिप किया है कितना अमेजिंग है, कितना यूनिक है। तो आप ये सारे कलेक्शंस ज़रूर चेक करना, जैसे मैंने बताया अभी ये सब कुछ अवेलेबल है, बट मुझे नहीं पता कि कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लग रहा था, काफ़ी सुंदर है। वेल हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग हरम है, यहाँ पे जो गोल्ड का बेल्ट है वो थोड़ा सा लाइक कम वेट वाला है एंड जो पेंडेंट है ना वो बहुत सुंदर है। तो और आप बोलोगे कि दी आपने आज के वीडियो में ईयरिंग या फिर सेट क्यों नहीं शेयर किया। वेल अगर कोई यहाँ पे लेता है कोई सेट तो वो तीनों भी लेते हैं, शॉर्ट नेकलेस, लॉन्ग नेकलेस एंड देन ईयरिंग्स। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि सेपरेट चीज़ परचेस करते हैं, तो हम सिर्फ सेपरेट नेकलेसेस ही देख रहे हैं। ईयरिंग आप आपके अकॉर्डिंग भी परचेस कर सकते हो। 34.90 ग्राम का है ये हमारा नेकलेस और लॉन्ग हरम, 2,38,300 के आसपास हमें प्राइस आएगा। सो अगर हम सेट वगैरह ऐड करेंगे ना तो देन हमारा वीडियो मोर देन 30 मिनट हो जाएगा, बट मैं बहुत जल्द एक सेपरेट ईयरिंग्स का वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ फ्रॉम डिवाइन कलेक्शन। तो आप प्लीज़ बने रहना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना ताकि कोई भी आप मेरा वीडियो मिस ना करो, बिकॉज आजकल आपको भी पता है गोल्ड ज्वेलरी सबको बहुत पसंद आती है, डिज़ाइंस भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं एंड मैं तो हूँ ही ज्वेलरी कंटेंट क्रिएटर। तो आप प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो थोड़ा सा लाइक एंटिक लुक आपको दे रहा है, प्लस इसको ऐसे लेयर में बनाया है। 44+ ग्राम का है, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आएगा 3,28,000 के आसपास। सो यहाँ पे इन्होंने देखो आप कैसे बनाया है, तीन लेयर है प्लस बीच में थोड़ा सा पेंडेंट का काम किया है एंड पूरा एंटिक लुक जैसा इसमें आपको आ जाएगा। पहनने के बाद जो लुक है कुछ इस तरह से आ रहा था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये गॉर्जियस लॉन्ग हरम फ्रॉम डिवाइन कलेक्शन मालाबार आपको कैसे लगे। इट वाज अ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, मुझे पता है बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। वेल ये वाला आज के वीडियो का ऑलमोस्ट सेकेंड लाइट वेट नेकलेस है, उसके आगे एक और है और लॉन्ग हरम है। 26+ ग्राम में आपको ये आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। 1,90,800 के आसपास आपको प्राइस आएगा, लेकिन यहाँ पे जो बेल्ट है ना पूरा मटर माला चैन जैसे बनाया है एंड मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट भी किया था तो आप लोगों ने ऐसे वाले बेल्ट या ऐसे वाले जो लॉन्ग हरम होते हैं उनको काफ़ी पसंद किया था। उसके ऊपर भी आप डिज़ाइन देख सकते हो एंड पहनने के बाद भी इसका जो लुक आ रहा था ना इट वॉज वेरी वेरी गॉर्जियस एज वेल एज बहुत एलिगेंट लग रहा था। सो जिनको हेवी वेट पसंद नहीं यू कैन गो विद दिस।
यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट लॉन्ग हरम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसको लेयर में बनाया है, थोड़ा सा एंटिक लुक भी इन्होंने दिया है। 41+ ग्राम का है एंड अप्रोक्सीमेटली प्राइस है 3,06,500 के आसपास। सो गाइज, आई रिमेम्बर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी आप प्लीज़ गोल्ड का रेट शेयर किया कीजिए। तो जिस दिन मैं शूट करती हूँ उस दिन तो मेरे लिए डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होता है पोस्ट करना, सो मैं 2-3 दिन के बाद शेयर करती हूँ। इसके पीछे भी काफ़ी सारे अप्रूवल्स रहते हैं, प्रोसेस रहती है गाइज, तो गोल्ड के रेट थोड़े बहुत डिफरेंस होते रहते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक कलेक्शन, जब मैंने शूट किया था 6,010 रुपीज़ के आसपास गोल्ड का रेट था। अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है 6,060 रुपीज़ के आसपास है। मैं सिर्फ मालाबार की बात कर रही हूँ, तो आप भी चेक कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहेगा यार, 50-60 रुपये का ही डिफरेंस रहेगा। सो या वेल, दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल लॉन्ग हरम फ्रॉम डिवाइन कलेक्शन। तो इसको आप थोड़ा सा एंटिक लुक जैसा भी देख सकते हो, ये पूरा जो नक्शी वर्क वगैरह होते हैं ना उस तरह का है। काफ़ी ज़्यादा रॉयल लग रहा है ये सच में। 52+ ग्राम का है। पूरी डिटेल्स आपके सामने है, स्टोन वैल्यू कितनी है, क्या है। इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस हमें पड़ेगा 3,55,000 के आसपास एंड मेकिंग चार्जेस यहाँ पे 16.90% ही है खाली। इतने डिज़ाइन पे, इतने इंटीग्रेट क्राफ्टमैनशिप के ऊपर स्टिल ये मेकिंग चार्जेस कम ही है, बिकॉज मालाबार का फेयर प्राइस प्रॉमिस होता है, आपको भी पता है। एंड स्लाइटली ना, पता नहीं मेरे ड्रेस को ऐसा लग रहा था ये मैच हो रहा है, बट स्टिल आप देखो कितना सुंदर लग रहा था। तो सारे ही डिज़ाइंस ना एक से बढ़कर एक है, बहुत प्यारे है। आप ब्राइडल के लिए भी ये चेक कर सकते हैं, जैसे अभी मैं हैदराबाद में रहती हूँ, ब्राइडल के लिए तो यहाँ पे इस तरह का ही कलेक्शन काफ़ी पसंद किया जाता है। वेल, ये है 25+ ग्राम का, हमारे आज के वीडियो का मोस्ट लाइटवेट लॉन्ग हरम या मिड लेंथ वाला आप बोल सकते हो। यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस हमें पड़ेगा 1,78,800 के आसपास। तो ये रहा कोड आपके लिए, नेट वेट है 24 ग्राम ओनली। एंड इसका पेंडेंट भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा डिज़ाइन बनाया इन्होंने पूरा रेडिश का ऐसा। जब मैंने इसको ट्राई ऑन किया ना, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा था लाइक शॉर्ट नेकलेस की तरह। तो आप ये पूरा सेट भी ले सकते हो या सिंगल नेकलेस भी परचेस कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नेकलेस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, थोड़ा सा मिड लेंथ या इस तरह से आपको आ जाएगा। 25.99 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट 26 ग्राम में आपको ये आएगा। बट अगर आपको डिवाइन कलेक्शन से कुछ लाइट वेट परचेस करना है, आपका बहुत मन है नेकलेस लेने का, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है एंड थोड़ा सा एफोर्डेबल है, लाइक 1,83,700 में आपको आ जाएगा। इसका पेंडेंट भी बहुत सुंदर है, जो क्राफ्टमैनशिप है गोल्ड के ऊपर, गोल्ड बॉल्स के ऊपर, वो भी काफ़ी यूनिक है। एंड पहनने के बाद भी इसका जो लुक है ना, अब देखो काफ़ी सुंदर आ रहा था। वेल, ये सारे थे हमारे ब्यूटिफुल लॉन्ग हरम्स फ्रॉम मालाबार डिवाइन कलेक्शन। आई नो आई टॉक्ड अ लॉट बिकॉज ज्वेलरी इतनी अच्छी है, तो आई हैड टू गिव अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ज्वेलरी। इसके अलावा मैंने शॉर्ट नेकलेसेस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं एंड ये जो कलेक्शन मैंने लाया ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद लाया है, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द स्टॉक। बट इस बार जो कलेक्शन आया है काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा अगर आपको कोई ज्वेलरी देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। वैसे तो मेरे कुछ ब्यूटिफुल लेडीज़ हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज़ ऐसे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बट एट द एंड दे आर वर्थ। जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, पता चलता है आपको हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। मिलते हैं एक नए वीडियो में।